सभी को सबसे पहले हैप्पी नवरात्रे। तो भाई आज से नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, मैं तो बोलूँगी सीजन ऑफ फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है हमारा। नवरात्रे पहले 9 दिन, फिर दशहरा और फिर भाई दिवाली आ जाएगी। बस खाने पीने का टाइम आ गया है अभी, और फेस्टिवल्स का भी सीज़न आ गया। नए नए कपड़े डालो, खाओ नए नए पकवान, सब मिठाई सब कुछ आएगा अभी। बट नवरात्रों में जैसे कि कुछ लोग जो है वो फास्ट रखते हैं, मैंने भी आज रखा है, और मैंने सोचा क्यों ना जो फास्ट की रेसिपीज कुछ रहती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बगर से बनता है। बगर जिसको क्या बोलते हैं, फास्ट के राइस चावल वो भी बोला जाता है। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत क्विक भी बन जाती है और टेस्टी भी है। और क्या चाहिए, फास्ट में अगर आपको टेस्टी खाना भी मिल जाए तो फिर भाई सबकी जो ये है खुशी खुशी है। तो चलिए मैंने रेसिपी बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैंने बगर लिया है 1 कप, उसको मैंने थोड़ी देर भिगो के रखा था, 15-20 मिनट तक ठंडे पानी में भिगो के रख दीजिए। 1 आलू लिया है छोटा छोटा कटा हुआ, 2 हरी मिर्च, 2 स्पून मैंने रोस्ट करके पीनट्स ले लिए और थोड़ा सा जीरा। अभी सबसे पहले हम पीनट्स और जो हमारा मिर्ची है हरी मिर्ची, इन दोनों को ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ग्राइंड क्यों थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, पैन कढ़ाई आप कुछ भी ले सकते हैं। उसमें मैंने लगभग 3 स्पून तक घी डाला है, आप घी ऑयल जैसे भी आपको कंफर्टेबल है वो ले लीजिए। अभी हम जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो पे ही रखेंगे और हल्का सा जो ऑयल घी जो भी आपने डाला है उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। बस उसके बाद हम इसमें 1 बड़ा स्पून जीरा डाल रहे हैं और जो आलू हमने चॉप करके रखे थे वो अब हम इसमें डाल देंगे। तो आप देखेंगे हम इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसको अब अच्छे से हम पका लेंगे। आलू जो है वो हमने कच्चे ही लिए थे तो इसलिए आप इसको गोल्डन ब्राउन तक अच्छे से पका लें कि ये कच्चे ना रह जाएं। आप चाहे तो एक बार इसको, एक आलू को तोड़ के भी देख लीजिएगा कि पक गए हैं। उसके बाद जो हमने बगर जो है पानी में भिगो के रखा था वो हम इसमें अब हम डाल देंगे। मैंने जो बगर है वो ऑलरेडी वॉश करके रख दिया था और अब मैं पानी के समेत ही डाल रही हूँ। तो अगर आप मेजर की बात करें तो अगर आपने 1 कप बगर लिया है तो आप 1.5 कप पानी ले लीजिए। अभी ना मैंने फ्लेम थोड़ी सी हाई पे कर दी है क्योंकि मैं चाहती हूँ इसको एक बॉईल आ जाए, और जब तक बॉईल ना आए ना आप इसको एक बार मिक्स करते रहिए ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बन जाए। तो अब देखिए इसमें एक बॉईल आ गया, अच्छे से मिक्स भी हो गया है। अब हम इसको ढक के रख देते हैं 2-3 मिनट के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो है बगर वो पक चुका है, अराउंड 80%। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए तो आपको बस ऐसे ही इसको पकाना है, बीच बीच में चेक करते रहिए। और इस टाइम पे अभी मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार, जैसे आपको चाहिए वैसे आप डाल सकते हैं। और इसको एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो जब बगर हमारा अभी आप देखिए बन चुका है, तो एंड में जो हमने ग्राइंड करके रखा था पीनट और हरी मिर्ची का पाउडर वो अब हम इसमें डाल देंगे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जो पीनट आप लेंगे ग्राइंड करने के लिए उसको रोस्ट करके ही लीजिएगा, ड्राई रोस्ट किया था मैंने। और क्योंकि ना फिर ऐसे कच्चे का जो स्मेल आता है या जो एक टेस्ट होता है वो नहीं आना चाहिए, इसलिए हम रोस्ट करके ही इसमें ग्राइंड करके डालेंगे। तो बस हमारा बगर तैयार है। तो गाइस देखा आपने ये रेसिपी बगर की, जो बरत फास्ट के राइस की जो रेसिपी है बहुत ही जल्दी बन जाती है और सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको दही या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, नींबू थोड़ा सा निचोड़ के ना वैसे भी खा सकते हैं।
और हाँ, मैं एक्चुअली में धनिया नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने इसको नहीं, धनिया नहीं डाला है। बट अगर आप फास्ट में, या आप फास्ट के मतलब आपका फास्ट नहीं है और आप ऐसे खाना चाहते हैं, तो आप धनिया डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने एक और ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी हेल्दी, बी सेफ। और हाँ, अभी तो बोलना पड़ेगा, जय माता दी।